Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज की जो है बाइसेप्स के लिए. अब बाइसेप की एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है स्पाइडर कर्ल्स. याद है आपको स्पाइडरमैन, वही वाली बाइसेप की एक्सरसाइज. सो स्पाइडर कर्ल्स इसे क्यों कहते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. और साथ ही साथ इस वीडियो में ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी. ट्रेनिंग कैसे की जाती है, कैसे डिज़ाइन की जाती है, किस तरीके से आप इंटेंसिटी, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन बिटवीन द वीडियो बताऊंगा और उसके लिए क्या करना है ये भी बताऊंगा. चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट स्पाइडर कर्ल्स. सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेटअप एंड पोस्चर की. सो सेटअप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मेरे पास एक बेंच है, राइट, यूटिलिटी बेंच कह लीजिए या फिर एक नॉर्मल बेंच जिसमें आप एंगल्स चेंज कर सकते हैं. लगाने के लिए स्पाइडर कर्ल्स तो आप प्रीचर बेंच के बैक साइड पे भी लगा सकते हैं उल्टे, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है जिम में तो इस तरीके की बेंच बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगी. सबसे पहले एंगल देखिए. एंगल क्या है, यूजुअली तो इंक्लाइंड एंगल आपको लगाना पड़ता है इसमें. अब 45 डिग्री यूजुअली लोग पकड़ते हैं ऐसा. अब जो लंबे लोग हैं, जो जिनके हाथ लंबे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके हाथ छोटे हैं वो क्या नीचे से बारबेल नहीं उठा पाते और हैंगिंग ठीक नहीं बैठती, ऐसा मुझे लगता है. सो आई थिंक ये एंगल परफेक्ट बैठता है एज लॉन्ग एज आपका बारबेल या डंबल नीचे ना टकराए. बहुत सारे टूल्स इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो. बारबेल आप ले सकते हो, चाहे वो इजी बार हो, चाहे वो स्ट्रेट बार हो, चाहे डंबल हो, कुछ भी ले सकते हो इसमें, ठीक है ना. अब बॉडी के पोस्चर की बात करेंगे तो बॉडी किस तरीके से आपको इसमें रखनी होती है. सबसे पहले तो आप पूरी तरीके से ऐसे बेंच में लेटते हैं, ठीक है. बेंच में लेटने के बाद आपकी फर्म ग्रिपिंग होनी चाहिए दोनों पैरों से, पैर फिसलने नहीं चाहिए, ठीक है. कहीं पे आप इसको इस तरीके से ग्रिप करेंगे. चेस्ट जो है आपका इस तरीके से लगेगा, ज़्यादा पीछे नहीं लेटना है यूं, और ज़्यादा आगे भी नहीं होना है, और हाथ आपके हैंग करेंगे. अब इसे स्पाइडर कर्ल क्यों कहा जाता है, वो रीज़न ये है कि आप जैसे स्पाइडर्स लटकते हैं ना, राइट, हैंग करते हैं, तो उसी तरीके से आपको वेट को हैंग करना होता है अपने हाथों में यूं, और इसीलिए इसको स्पाइडर कर्ल्स भी कहते हैं, एक नाम चल गया, यू नो. इसके बाद आप अपने अपर बैक का पोस्चर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको ऐसे प्रोट्रैक्शन यानी कि रोल नहीं करना है ऐसे बैक को. आपके बैक न्यूट्रल रहेगी, मतलब आपका जो लोअर बैक है वो ऐसा रोल नहीं होगा, हल्का सा न्यूट्रल रहेगा ताकि स्टेबिलिटी मिले आपको. और चेस्ट भी आप हल्का सा ऊपर रखेंगे, शोल्डर को ऐसे रोल नहीं करेंगे, ठीक है. इवन दो हैंग कर रहे हो लेकिन रोल नहीं करना है, पीछे ही रखना है इस तरीके से. ओके, सो दूसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे ग्रिपिंग की. अब आप कहेंगे कि ग्रिपिंग की क्या मिस्टेक, वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टूल्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि इजी बार है. अब इजी बार में देखिए दो तरह की ग्रिपिंग है, आप वाइड भी ले सकते हो, आप नैरो भी ले सकते हो. तो क्या फ़र्क होता है नैरो और वाइड में, मैंने आपको ये शायद बाइसेप कर्ल्स वाले वीडियो में जो हम केबल से लगाते हैं उसमें बताया था. जब भी आप ऐसे नैरो ग्रिपिंग लेंगे, क्लोज ग्रिपिंग लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपका आउटर हेड ऑफ द बाइसेप, विच इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई, ट्रेन होता है, एम्फेसिस ज़्यादा आता है उसमें. वाइडर ग्रिप में शॉर्ट आपका जो हेड होता है अंदर का हिस्सा, उसमें आपका ज़्यादा एम्फेसिस आता है. अब सेम चीज़ आप इस स्ट्रेट बार में भी कर सकते हैं. अब ये जो एक्सरसाइज है ना, पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैंगिंग वाली, इसमें आपका शॉर्ट हेड ज़्यादा टारगेट होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एक्सरसाइज, चाहे वो प्रीचर में हो, चाहे वो नॉर्मल कर्लिंग हो, शॉर्ट हेड ज़्यादा टारगेट होता है. तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अंदर का बाइसेप डेवलप करने के लिए, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रैकियाई. सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि वर्कआउट प्लान कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसको सीखना, कैसे आप अपनी ट्रेनिंग को प्लान करते हैं फैट लॉस करने के लिए, मसल बिल्डिंग करने के लिए, इंटेंसिटी, आपकी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे होता है, तो हम लेके आ रहे हैं अपना कोर्स स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी 10th फरवरी को हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में. और अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इनरोलमेंट चालू हो गई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप इसको इनरोल करिए और मैं आपको 10 तारीख को मिलूंगा लाइव क्लास के अंदर. चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक. ऑलराइट, सो तीसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे एल्बो से रिलेटेड, एल्बो के मूवमेंट से. अब क्या होता है अक्सर जब भी आप ऐसी एक्सरसाइज लगाते हो तो प्रीचर बेंच की तरह या नॉर्मल जो आपके प्रीचर बेंच के अपोजिट साइड पे जो पैडिंग होती है उसका सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, राइट. जब स्पाइडर कर्ल्स बेंच में लगा रहे हो इट्स ईजी, लेकिन जब इसमें लगा रहे हो आप तो आपका क्या है, हाथ आगे पीछे मूव करता है, एल्बो आगे पीछे मूव करता है, यही चीज़ हमें कंट्रोल करनी है. जब भी आप स्पाइडर कर्ल्स लगाएं इस तरीके से तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपका एल्बो पीछे की तरफ मूव ना हो, राइट.
कर्लिंग करते हुए आप हल्का सा आगे मूव कर सकते हैं, बिकॉज पीक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए अगर एल्बो आगे भी जा रही है हल्की सी चलेगा, लेकिन एल्बो पीछे नहीं मूव करना है, यानी कि शोल्डर का जो है पीछे एक्सटेंशन नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जितना कंट्रोल मूवमेंट आपका रहेगा एल्बो का, उतना ही बेहतर आपको बाइसेप में कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी चौथी मिस्टेक, वो है रेंज ऑफ मोशन और ब्रीदिंग की। अब रेंज ऑफ मोशन क्या है, काफ़ी सारे लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि भाई नीचे से उठा लिया सब कुछ ठीक है, कर्लिंग करते वक्त यहीं तक जाते हैं, या उनसे होता ही नहीं है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है। सो रेंज ऑफ मोशन इतना ही होता है। अब होने के लिए तो आपका बाइसेप ट्रेन हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो रहा, मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं इसमें। तो देखिए रेंज ऑफ मोशन क्या रहेगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंड ऑल द वे अप यहाँ तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप ऐसा करने में आपके एल्बोज अगर स्लाइटली आगे भी आ जाते हैं इट्स ऑल राइट, लेकिन ये मेक श्योर करना कि शोल्डर का फ्लेक्शन भी ना हो ज़्यादा। अगर ज़्यादा भी आगे मूव करने लग जाओगे तो शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी कि डेल्ट्स, फ्रंट डेल्ट, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान दीजिए, मैं कॉन्सेंट्रिक पार्ट यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उस पर तो कर ही रहा हूँ, लेकिन जो इलोंगेशन है, जो स्ट्रेच वाला पार्ट है, उसको भी पूरा दे रहा हूँ, आधा यहीं तक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा स्ट्रेच, क्योंकि ये हैंग करना है मुझे, यही बेनिफिट तो है स्पाइडर कर्ल्स का। सो हैंग एंड ऑल द वे अप। नाउ ब्रीदिंग चेक करिए, जब आप नीचे जाएंगे तो यू इनहेल एंड एक्सहेल, सो गाइज पांचवी और आखिरी मिस्टेक आती है वेट सिलेक्शन को लेके। अब वेट सिलेक्शन आप सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा आसान है, वेट डालो फटफट फट हो गया काम, लेकिन वेट में यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि एक ऐसी मूवमेंट है जो हैवी वेट के लिए नहीं बनी है। मतलब हैवी वेट आप करोगे तो दूसरे मसल्स ओवरपावरिंग हो जाएंगे, जैसे डेल्ट आने लग जाएगा, बैक भी आने लग जाएगा, पैर से भी आप उठाओगे, तो ये नहीं करना है। दिस इज एन आइसोलेशन मूवमेंट, और इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब पूरी तरीके से बाइसेप आपका आइसोलेट हो, यानी कि कोई चीटिंग ना हो आपके मूवमेंट में। सो पिक अ वेट जिसमें आपके 12 15 रेपिटेशन निकले, और वो लाइट वेट से ही होगा, कोई जरूरत नहीं इसमें बहुत 20-20 किलो उठाने की, ठीक है। 7.5 टोटल वेट या 15 केजी तक आप जा रहे हो, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, उतना ही वेट आपको इसमें लेना है। अब हैवी वेट लगाने का एक नुकसान और भी होता है यहाँ पे, कि कई सारे लोगों को एल्बो में दिक्कत भी होने लगती है, ठीक है, और शोल्डर में दिक्कत, क्योंकि एक ऐसी पोजिशन है ना जिसमें आप पूरी तरीके से हैंग कर रहे हो। अब हैंग जब कर रहे हो हैवी वेट लोगे तो अननेसेसरी, जब बहुत हैवी वेट होगी और आप पूरा जोर लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ये शोल्डर है ये भी, इसको भी झटका लग सकता है और एल्बो को भी लग सकता है। सो मेक श्योर कंट्रोल मूवमेंट, ठीक है, कंट्रोल मूवमेंट में इसको करना है। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जिसको आप एज अ फिनिशर एक्सरसाइज लगा सकते हो, मतलब कि आपने बाइसेप की 3-4 एक्सरसाइजेस करनी है तो आप 3 एक्सरसाइज आपने कर ली और टुवर्ड्स दी एंड लास्ट में आपने बिल्कुल आइसोलेट करते हुए इस एक्सरसाइज को लगाया, या फिर आप इन बिटवीन भी लगा सकते हो, दो एक एक्सरसाइज आपने कर ली दूसरी एक्सरसाइज भी लगा सकते हो उसको, लेकिन मेक श्योर हैवी वेट का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें ना करो, 15 या 12 रेपिटेशन के रेंज में आप रहना है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी मिस्टेक्स स्पाइडर कर्ल्स को लेके, आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन केस अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है किसी और पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप हमारे स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनरोल करा सकते हैं, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। ऑलराइट, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।